नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Poco X6 5G versus Vivo Y200e 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो X6 5G में 6.32 इंच जबकि Y200e 5G में 6.42 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो X6 5G में 2.93 इंच जबकि Y200e 5G में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो X6 5G में 0.32 इंच जबकि Y200e 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो X6 5G में 181.2 ग्राम जबकि Y200e 5G में 185.5 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन X6 5G में 1220x2712px FHD जोन और Y200e 5G में 1080x2400px FHD जोन मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो X6 5G में 90.05% जबकि Y200e 5G में 86.83% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो X6 5G में 446 पिक्सल प्रति इंच जबकि Y200e 5G में 395 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो X6 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Y200e 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में थर्ड कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो X6 5G में 19 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Y200e 5G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो X6 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Y200e 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो X6 5G में Adreno 710 जबकि Y200e 5G में Adreno 613 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो X6 5G में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 और Y200e 5G में Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 मिलता है। बात करें RAM की तो X6 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB, 12GB, 12GB की RAM मिलती है, जबकि Y200e 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB, 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो X6 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 256GB, 256GB, 512GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Y200e 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो X6 5G में नहीं है, जबकि Y200e 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो X6 5G में Android V13 जबकि Y200e 5G में Android V14 देखने को मिलती है।
बैटरी X6 5G में 5100 mAh जबकि Y200E 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो X6 5G में 3 कलर्स जबकि Y200E 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो X6 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 18,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 23,999 रुपीस, 12GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Y200E 5G की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 20,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो पोको X6 5G में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo Y200E 5G की तो उसमें 8 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में X6 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में X6 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो F25 Pro 5G है, दूसरा टेक्नो कैमन 35G है, तीसरा नथिंग फोन 2A 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 12 Plus 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।